क्या बीजेपी के साथ आपकी अलायंस? कतई नहीं, मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो 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 हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो इन्हें सारा तितर बितर कर दिया बीजेपी ने। अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहां जहां भी एनसी और कांग्रेस के अलायंस हुआ है वहां पर, खासकर जैसे आपको इधर लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो अलायंस का तो। मगर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल अपग्रेडेशन से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी से लेके एम से लेके तहसीलों से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल में नहीं हुआ है।